गर्ग ऋषि आए, दोनों बालकों को नाम करने संस्कार करवायो। बलराम और कृष्ण नाम भगवान के रखे गए। आ कृष्णम बंदिते सुखम, सबके सुख देने वाला जो नाम है वो कृष्ण है। मैया ने गर्ग ऋषि को भोजन करवाए, दान किया। गर्ग ऋषि के भोजन में साक्षात गोविंद का दर्शन पंडित जी को प्राप्त हो गया। क्यों? खाने वाला पवित्र और खिलाने वाला भी। हाँ, भोजन में भगवान दिख गए। और खाने वाला कितना भी बेढंगा, बनाने वाला बड़ा धार्मिक, कोई नहीं दिखने वाला। खाने वाला बड़ा धर्मात्मा, बनाने वाला यो ही, तो फिर कुछ नहीं दिखने वाला। दोनों भोजन के प्रति भगवान भाव वाले होने चाहिए। यशोदा मैया इतनी पवित्र भाव से भोजन पकाए सदगुरु भगवान के नाम से, राम नाम गाते गाते संत के लिए पका रहे, गुरु के लिए पका रहे, तो भजन करते, कीर्तन करते, नाम स्मरण करते, पवित्रता का ध्यान रखते भोजन पकाया। खीर में दर्शन गोविंद ने दे दिए महाराज, क्योंकि पंडित जी बड़ा नियम का, जैसे थाली देखी झुक झुक के प्रणाम करे, थाली को नमस्कार करे और भगवान को नाम ले, हे ईश्वर आपका धन्य हो प्रमाण, आचमन करे हाथ में डाल के, प्रणाम करे, मंत्र जाप करे। बहुत दिन हो गए गर्ग ऋषि को मंत्र बोलते बोलते अन्न के लिए, आज भगवान कहते हैं इतना नजदीक है बेचारा, हम पालने में और पंडित जी इतना नजदीक है, 50 साल से लगातार भोग लगा रहा, मंत्र लगा लगा के हम कभी ना गए, अब नजदीक है एक ही आंगन में, तो अब मौका दे देना चाहिए। विकास जी भगवान पालने से खड़े हो गए और खीरे पी के आके फिर सोए गए। औंधी कर दी कटोरी औंधी, बस एक ही गलती, चोर गलती करता ही है, गलती क्या कर दी, कुल्ला ना कर पाए। यशोदा मैया दौड़ के आई, पंडित जी नाराज मत हो, मेरे छोरा को अकल ना आए। पंडित जी ने कहा तेरे छोरा में बहुत अकल है, तेरा छोरा छोरा नहीं, कौन है? याद ब्रह्मांड मूर्त योग, ये ब्रह्मांड नायक है। पंडित जी ने मैया के खोपड़िया में भर दिया, और 3 दिन पहले एक और आया था शंकर नाम का बाबा कैलाश से, वो भी भर के गया कि ब्रह्मांड का स्वामी है, और पंडित जी ने भी ऐसा बता दिया। अब मैया चक्कर खा, भाई दो दो पंडित जी बोल के गए, अब ये छोरा हाथ से निकलो, ये तो ब्रह्मांड को पति है, ये हमारे घर में कहाँ टिकेगा। अच्छा वैसे तुम्हारे बच्चों के बारे में पंडित जी ने बताया कि नहीं, कुंडली में कि कलेक्टर बनेगा अगले जन्म में? है, हमने तो आज तक ना सुना किसी पंडित जी की पत्रिका में कि बचपन में ही बता दे कि ये पंडित जी बनेगा, ये टीचर बनेगा, कि ये मिलिट्री में जाएगा, कि ये चपरासी बनेगा, हमने आज तक ज्योतिष में नहीं देखा ऐसा लिखा हुआ। तो फिर ज्योतिष तो बताती है ना भविष्य, तो पहले लिख देते हैं ज्योतिष, तो भाग्य विधाता लिख के देते, और जो भाग्य विधाता ने लिखा है वही ज्योतिष वाले को लिखना चाहिए, उसको भविष्य वक्ता बोलते हैं। बड़े बड़े गाने कुदक रहे पेट में से, पर गा नहीं रहा मैं, उफन उफन के आ रहे हैं आज, क्योंकि सफेद चादर से जो ढका है उसका ध्यान है। आज मैया यशोदा ने कन्हैया जी को पालने में देखा बाबा, पंडित जी के मंत्र से प्रभु प्रकट हो गए खीर में। खीर में तो सच में भगवान ही दिखे, चाहे वो सुसुरी कार्ज की मरे मराए की क्यों ना हो, खीर खीरी हो गए, साक्षात भगवान का वास है अन्न में। तो आप सब लोग रोज कथा सुनते मेरी, जितने लोग हैं ना ये रोज वाले, बिल्कुल रोज वाले हैं, इनको अकल आ जानी चाहिए। भोजन को कभी भी भगवान से कम इज्जत नहीं मिलनी, भगवान के बराबर सम्मान करो। अन्नादि भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही सिखा रहे हैं, जो यज्ञ आदि करके भोजन करता है उसके प्राणों को भोजन कभी कमजोर होने देता नहीं है, और जो भोजन को यूं ही खाते वो दिखने में तो खूब दिखते पर शरीर में कुछ नहीं, बैठना चलना सब मुश्किल में, बीमारी का घर शरीर बन जाता है ना। भोजन बहुत कम करो, कितना, चिड़िया की तरह खाओ, चिड़िया की तरह, हाँ चिड़िया जैसे खावे, तोता, तोता कितना चमकता है, भोजन कम करता है ना इसलिए चमकता रहता है। चिड़िया सोन चिड़ैया हरी चिड़ैया जन कैसी चिड़ैया, लाइट मारती हैं, कम खाती हैं।
आप भी कम खाइए, चमक मारेगी, ये बाल बूढ़े नहीं होते कम खाने से। ठूस के भर लियो, ऊपर से पानी ठोक लियो, सबरे बाल उड़ जाए। शरीर में हवा को आने जाने की जगह छोड़ो, पानी की जगह छोड़ो, हवा की जगह, पानी की जगह, सब जगह रोटी ठूस के भर देते हैं। विकास जी फिर क्या होगा बताओ? अपान उदान समान प्राण व्यान, पांच प्रकार की हवा शरीर को जिंदा रखती है। प्राण पांच प्रकार के हैं, पांच प्राण है, और पांचों प्राणों के लिए पांच प्रकार की वायु, वायु माने प्राण। शरीर में वायु आती नहीं और जाती नहीं तो शरीर कैसे जिंदा रहेगा? जगह खाली रखोगे तब तो आएगी जाएगी ना हवा, शुद्ध हवा जाए गंदी हवा निकले तब शरीर प्रसन्न रहता है। शुद्ध जा नहीं रही, गंदी निकल रही रही तो माथा दुखे, फटने को करे जीव, उल्टियां करो, ये खाओ वो खाओ। आप समझ रहे हैं ना कथा? ये कथा थोड़ी है, डॉक्टरी चालू है पूरी, जब से इलाज कर रहा हूं तुम्हारा, जिंदगी बचा रहा हूं। कथा तो अगली बार सुनाऊंगा तुम्हारा होगी तब। यम ब्रह्मान गति भूयः, एक भागवत हो जाने से दो भागवत और करनी पड़ती हैं, तीन भागवत करनी पड़ती हैं। यम श्रावणम कृतम मासः पुरुषोत्तमौ अधिको भवः, भागवत के पहले दिन की कथा में महत्तम, दुंदकारी की कथा में गौकर्ण महाराज ने तीन कथा की। एक कथा से पितरों का कल्याण किया, दूसरी कथा से राष्ट्र का, और तीसरी कथा से यजमान का कल्याण, अपना कल्याण। यम ब्रह्मा अधिको भवः, एक कथा श्रावण में कर लेना, और फिर जब भी भगवान करें तीसरी कथा अधिक मास में कर लेना, फिर हमारा उद्धार हुआ रखा है। यावते कर्मम भूषणम यावते सत्यम कर्म, जो विधि लिखी है हमारे देवता ऋषि मुनियों ने, उस विधि का पालन हम करते हैं तो अवश्य हमें लाभ प्राप्त होता है। जिनके पास साधन नहीं है वो कथा सुनो, जिनके पास साधन है वो कथा करो, जिनके पास नहीं वो सुनो, और जिनके पास है वो करो और सुनो, यही कथा का धर्म है।